हाँ जी, तो वंस अगेन आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपनी इस इंग्लिश डिपो की क्लास में। ये क्विक रिवीजन की क्लास चल रही है, सिंथेसिस पढ़ रहे हैं हम लोग, और आज है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और इन्फिनिटिव को पढ़ना। पिछले वीडियो में हमने बताया था, पार्टिसिपल के वीडियो में, अगर आपने वीडियो को नहीं अटेंड किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पर लिंक है, प्लेलिस्ट क्विक रिवीजन की खोल लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगी वीडियो, आप जरूर देख लीजिए। और अगर चैनल पर नए नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की जब हम बात करते हैं तो ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में होता क्या है, हमने पिछली ही क्लास में पढ़ाया था थोड़ा सा, कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उसे कहते हैं जब एक काम की वजह से दूसरा काम हुआ हो लेकिन दोनों का सब्जेक्ट क्या हो, अलग अलग हो। पार्टिसिपल में मैंने बताया था कि एक काम के बाद दूसरा काम हो और दोनों के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का रिलेशन हो, यानी एक का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट हो। लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में ऐसा नहीं है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहता है कि एक काम की वजह से जब दूसरा काम हो रहा होगा और दोनों कामों का सब्जेक्ट बिल्कुल अलग अलग होगा, तब आपने यूज करना नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को यूज करना बड़ा आसान है, ये तो चीजें मैं बोल रहा हूं ना, इनको लिखते जाओ, आपके फॉर्मूले हैं, यही तो रूल है, लिख लो, नोट बना लो। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का जो रूल है वो क्या होता है भैया, आपको सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट। देखो पार्टिसिपल में हम सब्जेक्ट को छोड़ रहे थे क्योंकि दोनों सब्जेक्ट एक थे, यहां पे सब्जेक्ट को लेंगे क्योंकि दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं। सब्जेक्ट को लेने के बाद हम पार्टिसिपल में हैविंग लगाते थे ना, यहां भी हैविंग लगाएंगे, बिल्कुल पार्टिसिपल के, परफेक्ट पार्टिसिपल के जैसा ही है, हैविंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अपने सेकेंड सेंटेंस को छाप लेंगे। बहुत आसान है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ना बहुत आसान है। इसमें और एक फार्मूला हमें पढ़ना है, हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, हैविंग के बदले कहीं कहीं हमें बीइंग का प्रयोग करना होगा और फिर ऑब्जेक्ट लिख करके इस सेकेंड सेंटेंस को छाप लेंगे। इतना ही नहीं, फिर हमें एक और फार्मूला इसके अंतर्गत देखना होगा, कभी कभी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में पहला वाला वाक्य पैसिव में हो जाएगा, जैसे आपको परफेक्ट पार्टिसिपल में बताया था, तो हैविंग बीन लगाते थे, यहां भी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख के ऑब्जेक्ट लिखेंगे और कामा लगा करके सेकेंड सेंटेंस को छाप देंगे। बस यही तीन फार्मूले यहां भी पढ़ने हैं हमें, और सब एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है, बहुत आसान है। अब हम कुछ वाक्य देखते हैं और उन वाक्यों पर इन फॉर्मूले को प्रैक्टिस करते हैं, रूल को अपने अपना देखते हैं कि हमारा रूल कैसे लागू हो रहा है, उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे इन्फिनिटिव की तरफ। देखो हमने यहां पे तीन वाक्य लिखे हुए हैं, द सन रोज, द फॉग डिसअपीयर्ड, इट वॉज वेरी कोल्ड, वी डिड नॉट गो आउट, द किंग वॉज किल्ड, सोल्जर्स फ्लेड। द सन रोज, सूर्य निकला, द फॉग डिसअपीयर्ड, कोहरा समाप्त हो गया। सूर्य के निकलने की वजह से कोहरा समाप्त हुआ, एक काम की वजह से दूसरा काम हो रहा है, इधर हमारा द सन सब्जेक्ट है और इधर द फॉग सब्जेक्ट है। रूल समझ में आया, एक काम की वजह से दूसरा काम हो रहा है और एक का सब्जेक्ट दूसरे के सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग है। इट वॉज वेरी कोल्ड, वी डिड नॉट गो आउट, बहुत ठंडी थी हम बाहर नहीं गए, बहुत ठंडी होने की वजह से हम बाहर नहीं गए ना, एक काम की वजह से दूसरा काम हो रहा है, काम होना चाहिए दोनों तरफ, एक काम की वजह से दूसरा काम हो रहा है, और यहां पे क्या है इट और यहां पे क्या है वी। द किंग वॉज किल्ड, द सोल्जर्स फ्लेड, राजा मारा गया, सैनिक भाग गए। राजा मारा गया और राजा के मारे जाने की वजह से सैनिक भाग गए, क्या हो रहा है, एक काम की वजह से दूसरा काम हो रहा है ना, और एक का सब्जेक्ट द किंग है, एक का द सोल्जर्स है, दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है, यानी कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में हम किस फॉर्मूले का प्रयोग करें, चलो समझते हैं। देखो अगर आपका पहला वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में है, पहला वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में है तब आपको यूज करना है इस फॉर्मूले का, पहला वाला वाक्य पैसिव वॉइस में है तब आपको यूज करना है इस फॉर्मूले का। द सन रोज, सूर्य निकला, एक्टिव वॉइस है। द किंग वॉज किल्ड, राजा मारा गया, वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, पार्टिसिपल मैंने समझाया था, पैसिव वॉइस है। तो यहां पे पहला वाला फॉर्मूला, यहां पे लास्ट वाला फॉर्मूला। द सन रोज, क्या बोलेंगे इसको, द सन हैविंग, रोज नहीं, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, राइजन, कामा लगाएंगे, दूसरा छाप देंगे, द फॉग डिसअपीयर्ड।
द किंग वॉज किल्ड द सोल्जर्स फ्लेड। दूसरा वाला वाक्य, पहला वाला वाक्य पैसिव में है ना, चलो पैसिव में है तो पैसिव वाला फॉर्म लगाओ। सब्जेक्ट लिखोगे क्या, बोलोगे द किंग। आपने यूज करना हैविंग और वाज को बनाओगे थर्ड, क्या हो जाएगा बीन, और आप लिखोगे अपना किल्ड, द किंग हैविंग बीन किल्ड। दूसरा वाला छाप दोगे द सोल्जर्स फ्लेड। इट वॉज वेरी कोल्ड, वी डिड नॉट गो आउट। कब हम यूज करेंगे सेकेंड वाले फॉर्मूले का, बीइंग कब लगाएंगे, हैविंग नहीं लगाएंगे। ध्यान रखो जब आपकी मेन वर्ब बी हो, आपकी मेन वर्ब कौन हो, बी। बी का मतलब होता है इज एम आर वाज वर। बी वर्ब का मतलब है इज एम आर वाज वर। जब आपके सेंटेंस में इज एम आर या वाज वर मेन वर्ब का काम कर रहे होंगे तब आपने यूज करना है बीइंग। जैसे यहां पे देखो वाज यहां पे मेन वर्ब है, कोई वर्ब आई है नहीं, तो ये मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब है तो हम इसको बनाएंगे उस तरीके से, दूसरे वाले फॉर्मूले से क्या बोलेंगे, इट बीइंग वेरी कोल्ड वी डिड नॉट गो आउट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट खत्म, इतना ही है। अगर आपको रूल समझ में आया तो भी कमेंट करके बताओ, नहीं आया तो भी बताओ, फिर से समझाऊंगा। बहुत छोटा है, सारे रूल मैंने बता दिए, एक भी रूल इसमें नहीं छूटा, और बहुत आसान है। नहीं कर पाए बहुत मार पड़ेगी, ठीक। दोबारा वीडियो को देख लो, कम समझ में आया हो तो। चलते हैं और अब हम लोग पढ़ते हैं इन्फिनिटिव को, वो भी बहुत छोटा है, बहुत प्यारा है इन्फिनिटिव, बहुत आसान है। जैसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आपको समझ में आया है, पार्टिसिपल समझ में आया है, वैसे इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है, यही इसका फॉर्मूला है, लेकिन हम कब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे उसको तो पहले समझ लो। तो डियर, जब एक तरफ कोई काम हुआ हो और दूसरी तरफ, यानी एक वाक्य में कोई काम हुआ हो और दूसरे वाक्य में उस काम के होने का मकसद बताया जा रहा हो, एक वाक्य में कुछ बात हुई है और उस बात के होने का दूसरे वाक्य में वजह बताई जा रही है, मकसद बताया जा रहा है, तब हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। इस बात को लिख लो, नोट कर लो। यानी कि जब वाक्य में इच्छा का बोध हो, लक्ष्य का बोध हो, कर्तव्य का बोध हो, तब हम यूज करेंगे इन्फिनिटिव का। एक और यूज है जो कि हटके है, वो है इनएबिलिटी, यानी असमर्थता। अगर वाक्य में असमर्थता का बोध हो रहा है तब भी हम लोग इन्फिनिटिव का ही प्रयोग करेंगे। कैसे, वो हम यहां पे सेंटेंस लिखे हैं, इनसे समझेंगे और आपको गारंटी है समझ में आएगा। बोलो आ रहा है ना, जितना मैं बता रहा हूं आ रहा है तो कमेंट कर दो जरूर। She went to the station. She wanted to see off him. वो स्टेशन गई, वो उसे अलविदा कहने के लिए, उसे विदा करने के लिए स्टेशन गई। वो स्टेशन गई, वो उसे विदा करना चाहती थी। उसका मकसद क्या था स्टेशन जाने का, उसको विदा करना। स्टेशन गई और उसकी इच्छा क्या थी स्टेशन जाने का, स्टेशन जाने को के पीछे का मकसद क्या था, उसे विदा करना। दूसरा समझो, ही हैज फोर डॉटर्स, ही हैज टू एजुकेट देम। उसे चार पुत्रियां हैं, ठीक है, क्या हुआ चार पुत्रियां हैं तो चार पुत्रियां हैं तो उसका मकसद है उसे उन्हें एजुकेट किया जाए, उन्हें क्या किया जाए, एजुकेट किया जाए, उन्हें शिक्षित किया जाए। यह उसका क्या है, ड्यूटी है, उसका मकसद है। जैसे मैं बोलूं कि आई वेंट टू इलाहाबाद, आई वॉन्टेड टू गेट हायर एजुकेशन। मैं इलाहाबाद गया, मैं उच्चतर शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। मैं इलाहाबाद गया, क्यों गया, मकसद क्या है, उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए। मैं आपसे मिला, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता था क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब करा, नहीं करा कर दो। तो मैं आपसे मिला और क्यों मिला, मेरा इच्छा क्या था मिलने का, मेरा मकसद क्या था मिलने का, आपको धन्यवाद करना। आप इस चैनल पर आए, आप इस वीडियो को क्लिक किए, क्यों क्लिक किए, आपको सिंथेसिस सीखना था,
वाक्य संयोजन सीखना था, मकसद दिख रहा है ना। अगर एक वाक्य में कुछ काम किया गया और उस काम के पीछे का मकसद दूसरे वाले वाक्य में दिख रहा है, इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। इतना आसान इन्फिनिटिव का प्रयोग है ना, आप भूल ही नहीं सकते। बहुत आसान है, देखो कैसे जोड़ना, कैसे बड़ा आसान है। कुछ नहीं करना, पहला वाला वाक्य छाप डालो, सी वेंट टू द स्टेशन। अब क्या करें, जो मकसद है इन्फिनिटिव बना के लिख दो, जो इच्छा है इन्फिनिटिव बना के लिख दो, जो कर्तव्य है इन्फिनिटिव बना के लिख दो, जो गोल है, जो लक्ष्य है, जो पर्पस है, जो डिजायर है, उसको इन्फिनिटिव बनाकर लिख दो बस, और कुछ नहीं करना। मकसद को लिखो इन्फिनिटिव बना के। अच्छा, मैं वो स्टेशन गई, क्यों गई? उसको विदा करना चाहती थी, यानी विदा करने के लिए उसको गई, उसको विदा करने के लिए गई। विदा करने का मतलब सी ऑफ हिम, इन्फिनिटिव बना के लिखो, इन्फिनिटिव का मतलब टू सी ऑफ हिम, खत्म बात। ही हैज फोर डॉटर्स, ही हैज टू एजुकेट देम। पहला छाप डालो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, लो छाप डाला। अब क्या करना, मकसद क्या है? चार पुत्रियां हैं तो मकसद क्या है? उन्हें एजुकेट करना, उसका मकसद है। एजुकेट करना मकसद है तो एजुकेट देम इन्फिनिटिव बना के लिख दो, टू एजुकेट देम। बहुत आसान, समझ में आया? बिल्कुल आया ना, तो कर ही नहीं सकते। लास्ट है, आई वॉज वेरी ओल्ड, आई कुड नॉट रन। आई वॉज वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़ा था मैं, नहीं दौड़ सका। क्या लग रहा है, असमर्थता नहीं दिखा रहा हूं मैं नहीं दौड़ सका, असमर्थ। आई वॉज वेरी ओल्ड, आई कुड नॉट रन, मैं नहीं दौड़ सका क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा था। यहां पे कुछ हुआ है, बूढ़ा होने की बातें हुई है, और इस यहां पे जो भी हुआ है, यहां पे तो दिख रहा है समर्थता ना, कुड नॉट रन, आई कुड नॉट मान के चलिए मीट यू, आई कुड नॉट स्टैंड, आई कुड नॉट फाइट, आई कैन नॉट गो, आई कैन नॉट स्लीप, आई कैन नॉट कुछ भी, कैन नॉट, असमर्थता, कुड नॉट, असमर्थता। और असमर्थता दिखेगी तब भी आपको यूज करना है इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव कैसे यूज करोगे, थोड़ा सा यहां पे इस रूल से ये रूल थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा क्या अंतर है वो समझो। आई वॉज, यहां पे पहला छापते वक्त ध्यान देना, वेरी को बदल देना टू में, यही अंतर है, वेरी को बदल देना टू में, और फिर छाप लो आई वॉज टू ओल्ड। अब इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या होगा, क्या नहीं, असमर्थ क्या था, करने में असमर्थ, दौड़ने में असमर्थ था ना, दौड़ना को लिखो, खत्म बात, टू लगा के हमने इन्फिनिटिव बना दिया रन को, लो आई वॉज टू ओल्ड टू रन। आई होप आपको इन्फिनिटिव भी समझ में आ गया है। आया है नहीं आया है कमेंट करके बताओ। आई एम हियर टू हेल्प यू, आई विल क्रिएट, आई विल रिकॉर्ड अनदर क्लास फॉर यू। ओके, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, इन विच वी विल लर्न noun or noun phrase in a position, adjective, adverbial phrase and conjunction, and maybe if possible we would finish simple sentence in next class. Okay, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मिलते हैं next video में।